व्यक्तियों के, समाज के बीच, राष्ट्रों के बीच बिखराव आता है, समाज में दीवारें खड़ी होती है, परिवार में कलह बढ़ता है और यहां तक कि व्यक्ति खुद ही अंदर से टूटता, टुकड़ों में बिखरता और जीवन में तनाव बढ़ता चला जाता है। इस बिखराव के बीच योग जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है। आज की आपाधापी और तेज भागती जिंदगी में योग मन, शरीर, बुद्धि, आत्मा को जोड़कर व्यक्ति के जीवन में एक शांति की अनुभूति कराता है। व्यक्ति को परिवार से जोड़कर परिवार में खुशहाली बढ़ाता है, परिवार को समाज के प्रति संवेदनशील कर समाज में सद्भाव बढ़ाता है, समाज राष्ट्र की एकता के सूत्र बनते हैं और ऐसे राष्ट्र विश्व में शांति और सौहार्द लाते हैं। मानवता बंधुभाव से पलवित और पोषित होती है, यानी योग व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ता है। जब यूनाइटेड नेशंस में योग के लिए प्रस्ताव रखा और यह यूनाइटेड नेशंस का रिकॉर्ड है, यह पहला ऐसा प्रस्ताव था जिसको दुनिया के सर्वाधिक देशों ने को-स्पॉन्सर किया। यह पहला ऐसा प्रस्ताव था जो यूएन के इतिहास में सबसे कम समय में स्वीकृत हुआ और ये योग आज विश्व का हर नागरिक, विश्व का हर देश योग को अपना मानने लगा है।